कितना कठिन है प्रभु। कल पढ़ के सुनाओ। मूषक, पढ़ना तो आज ही होगा वरना नंदी को गुस्सा आ जाएगा। फिर मत कहना। हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ। मूषक महाराज, पिछली बार जो नंदी ने गुस्से में हमें उल्टा लटका दिया था, पूरे 2 दिन बाद हम नीचे उतर पाए। अरे शांत नंदी शांत, इतना इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ। भोलेनाथ बचाइए हमें, हम सबको, इस सृष्टि को। सिंधु ने स्वर्ग को भी तहस नहस कर दिया है, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। क्या वो सिंधु यहाँ कैलाश पर आक्रमण करने आ रहा है? यहाँ कैलाश पर इतना दुस्साहस सिंधु में? भोलेनाथ, और वो ये कहते हुए आ रहा है कि वो आपको भी बंदी बना देगा। क्या ऐसा कहा उसने? तो आप तक सिंधु की हवा पहुँच ही गई। हमसे लिए हुए वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहा है सिंधु। भोलेनाथ, अब हम क्या करें? आप चिंता ना करें, मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। गणेश, लेकिन बालक गणेश ही ठीक रहेंगे इस कार्य को संपन्न करने के लिए। प्रभु आप भी? आप माँ हैं, इसीलिए कह रही हैं। किंतु आप स्वयं ये जानती हैं कि बाल गणेश हम में से किसी से भी शौर्य या चतुराई में कम नहीं है। बाल गणेश, सिंधु ने घोर तपस्या के बाद मुझसे वरदान में अमृत और भोलेनाथ से सूर्य देव के दिए हुए कवच को उनका त्रिशूल, जो कि सबसे कठिन धातु से बना है, वो भेद ना सके ऐसा वरदान लिया है। सिंधु की नाभि में अमृत से भरी एक कुपी है, जिसे उसने सूर्य देव के कवच से ढका हुआ है। उस कुपी को तोड़कर ही सिंधु को मारा जा सकता है, वरना सिंधु अमर रहेगा। मैं तैयार हूँ, किंतु अभी सारे गण भी नहीं है यहाँ, इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे होगा? आप चिंता ना करें माँ, सिंधु के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, और फिर मैं उसे मिले वरदानों को भी तो जानता हूँ। मैं जीत कर ही लौटूंगा माँ। जानती हूँ विजयी भव पुत्र। इतनी बड़ी सेना? अच्छी तैयारी की है। प्रभु, ये हमारी नहीं उस राक्षस की सेना है। अरे जानता हूँ मैं मूषक, चिंता मत करो। सिंधु दुस्साहसी, तुम भगवान विष्णु और भोलेनाथ को बंदी बनाने चले हो? ए बालक, चले जा अपने घर को। मैं भोलेनाथ और भगवान विष्णु को मार कर कैलाश पर राज करूँगा। राज, तू मेरा समय व्यर्थ न कर। दुष्ट राक्षस, तूने उनका नाम भी कैसे लिया? उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अच्छा, परंतु एक बालक से क्या लड़ना? वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। भोलेनाथ का पुत्र? अच्छा है अच्छा है, लेकिन बच्चे तू मेरी इस बड़ी सेना का सामना कैसे करेगा? तुम्हारे पास तो सेना है ही नहीं। हम इतने ही काफी है तुम्हारे लिए। ये छोटा सा चूहा, ये कुतला और मोटा राक्षस, और ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी, और तुम हमें मारोगे? नंदी अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब अपना गुस्सा उतारना इन पर। सिंधु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भोलेनाथ से माफी मांग ले और यहाँ से चला जा, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे बालक, तू
हूँ तो क्या, तेरे पिता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले मैं तुम सबको मारूंगा और फिर भोलेनाथ को। सिंधू, तेरा ये दुस्साहस, सर्वनाश कर दो इन राक्षसों का। मूषक, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आक्रमण! जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अरे कायरो, रुक जाओ और डट के सामना करो इनका। बालक, तूने मेरी सेना को मारा, परंतु मैं अकेला ही काफी हूं, मिटा दूंगा सब कुछ। गणेश, तू क्या मुझे मारेगा? मैं तो अमर हूँ, अमर! जब तक मेरे पास अमृत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मुझे मारना आया था, मुझे मारना तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा। काश तुम मुझे मार पाते। सच्ची मेरी ये इच्छा है कि तुम मुझे मारो, पर ये हो नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हूँ, अमर। अरे रे, सिंधु, तू तो गया। सिंधु, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं, तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। अमृत है। अरे रुक जा, मुझे पता है, भगवान विष्णु ने मुझे बताया है।
अच्छा, पर क्या तुम ये जानते हो कि सूर्य देव के दिए हुए इस कवच को शिवजी का त्रिशूल भी? अरे रुक जा, मुझे पता है, भोलेनाथ ने मुझे ये भी बताया है। मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हें। सिंधु, मुझे बाद में मारना, पहले अपने आप को तो बचा ले, क्योंकि वरदान लेते समय तुमने भोलेनाथ से ये नहीं पूछा था कि उनके त्रिशूल से भी तेज कोई ऐसा भी औजार है जो इस कवच को भेद सके। क्या? कौन सा औजार? परशूल। नहीं, नहीं। बाल गणेश की। महादेव, प्रभु, नंदी जो कह रहा है, क्या वो सत्य है? आपने सत्य सुना है पार्वती। हम सभी मिनास पर्वत पर रहने जा रहे हैं। कारण? बोलिए ना महादेव, क्या है इसका कारण? कारण है ऋषि दर्शन को दिया हुआ वचन। वचन? कैसा वचन पिताजी? दर्शन ऋषि और उनके साथी गुरुजनों को लगता है कि हमारे यहाँ होने से वक्रासुर उन पर और ऋषिगणों पर आक्रमण करता है, उनके तप में बाधाएं डालता है। इसी कारण उन्होंने मुझसे यहाँ से चले जाने का वचन लिया है। ये क्या बात हुई? ये तो भक्षक के बजाय रक्षक को ही दंड देना हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपना घर छोड़ना होगा। माँ, आप ये सब छोड़िए और मेरे पेट पर ध्यान दीजिए। मोदक खिलाइए जल्दी से, बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। यात्रा? कौन सी यात्रा? मिनस पर्वत पर घर बनाना है तो उचित स्थान खोजने जाना होगा ना माँ, है ना पिताजी? तुम बड़े नटखट और शरारती हो गए हो बाल गणेश। ये तो कुछ नहीं पिताजी, असली शरारत तो अभी बाकी है। बाल गणेश, आजकल तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो, अब की शरारत की बात कर रहे हो तुम? बच्चों की अपनी कुछ गुप्त बातें होती है पार्वती, जो गुप्त रहे तो अच्छा। क्यों गणेश? जाओ पुत्र, कार्य में सफल हो। भैया, मिनस पर्वत पर पहुंचने के लिए मेरे पास एक मजेदार उपाय है, क्यों ना हम सब वहां दौड़कर पहुंचे? जैसा तुम कहो छोटे, मैं तैयार हूँ। तो तय हुआ, मैं और तुम अपने अपने वाहनों पर जाएंगे, बाकी सब अपना हिसाब किताब देख ले। मेरे विचार से ये निर्णय उचित नहीं है प्रभु, सब थक जाएंगे। ये दो बातें बोल रहा है, पहली ये कि ये दौड़ने के लिए तैयार है, दूसरी ये कि नंदी इतना आलसी क्यों है। जी मत चुराओ नंदी महाराज, दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। काम हो गया? जी प्रभु। बहुत अच्छे। एक, दो और तीन। भैया, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा छोटे, स्थान की खूबसूरती जल्दी इतिहास में लिखने जाने वाली है। माँ सही कह रही थी, तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो। नहीं, ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। ये देखिए। ये कौन है छोटे? इस तरह आने वाला और घूर के देखने वाला दोस्त तो नहीं होगा, परंतु शत्रु अवश्य हो सकता है। शत्रु? क्या इन्हें पता नहीं जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। टूट पड़ो। हाँ?
सहायता करो प्रभु। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे। अरे वाह, ऐसे भी कोई लड़ाई जीती जा सकती है। लड़ाई ताकत और घमंड से नहीं, बुद्धि से जीती जाती है दोस्तों। छछुंदरों से जीत कर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है बाल गणेश। तुम्हें क्या लगा बाल गणेश, मैं तुम्हें मीनस पर्वत की गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने दूंगा? कदापि नहीं, वो सारी सिद्धियां अब मेरी होंगी। स्वागत है तुम्हारा वक्रासुर, किंतु मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से मेरी जाल में फंस जाओगे। अर्थात? अर्थात ये असुरराज, मीनस पर्वत पर कोई अद्भुत शक्तियाँ नहीं है। मैंने ऐसा खेल तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए खेला था। पहेलियाँ मत बुझाओ गणेश, साफ साफ बोलो। तो सुनो वक्रासुर, मैंने ही मूषक राज के हाथों दर्शन ऋषि को ये बात पहुँचाई थी कि मीनस पर्वत पर अद्भुत शक्तियाँ हैं जिन्हें मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ। मुझे पता था ये सुनकर तुम यहाँ अवश्य आओगे। अब आ गए हो तो अपनी गलती की क्षमा मांग लो और लौट जाओ। क्षमा? और मैं? वो भी तुमसे? तुम सबको तो मैं चींटियों की तरह मसल दूंगा। आक्रमण! आक्रमण की तैयारी करो। रुक जाइए प्रभु, क्या आप हमें एक और अवसर नहीं देंगे? मैं वचन देता हूँ, इस बार युद्ध में हम बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है नंदी महाराज, यदि आप इनसे लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। वैसे भी मेरा और भैया का भी आराम करने का मन है। धन्यवाद प्रभु। ये क्या बोल रहा है बग्गम? मुझे लगता है ये तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा कर रहा है। तो इसे भी अकल आ ही गई। हाँ, देख क्या रहे हो तुम सब? आक्रमण करो, मार डालो सबको। शिव वाहन नंदी, वाहन का काम अपने मालिक को सैर करवाना होता है, लड़ना नहीं। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा है, किंतु साक्षात यम के स्वरूप महादेव के वाहन नंदी से नहीं। तुम ठीक तो हो? बहुत हुआ बच्चों का खेल, यदि हिम्मत है तो तुम दोनों भाई मुझसे लड़ो। दोनों से लड़ने की क्या आवश्यकता है राक्षस राज, मुझसे ही लड़के देख लो। तो आ, मुझे मार और जीत, नहीं तो मैं तुझे और तेरे साथ साथ तेरे भाई, मित्रों, पिता महादेव और माँ पार्वती सबको अपने पैरों से कुचल कर मार डालूंगा। आ, मार मुझे। क्या हुआ वक्रासुर भाई? तू तो गया। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। Oh!
तुमने मुझे राक्षस को मारने का मौका नहीं दिया। मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तुम्हें तो मैं मना लूंगा, बस माँ से कुछ मत कहना। मुझसे कुछ छुपाकर तुम जाओगे कहाँ बाल गणेश? माँ को अपनी संतान के बारे में सब पता चल जाता है, ऐसी जान मुश्किल में डालने की क्या आवश्यकता थी? माँ कान छोड़ो ना, उखड़ जाएगा। अपने अपराध की हम क्षमा मांगते हैं महादेव। हम गलती कर बैठे थे जो अपने रक्षक प्रभु के बजाय भक्षक राक्षस की बातों में आ गए। ये तो बाल गणेश है जिन्होंने हमारे हाथों पाप होने से रोक लिया। एक बात हमेशा याद रखिए ऋषिवर, लोमड़ी सांप और बुरे व्यक्ति का कभी विश्वास मत कीजिए। अवसर मिलते ही ये सब मृत्यु का कारण बनते हैं। आप तो ज्ञान के भंडार हैं बाल गणेश। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। असुर राज, वही रुक जाओ कटकासुर। जिस विघ्नासुर से तीनों लोग डरते हैं, उस विघ्नासुर का सिपाही किसके भय से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है? असुर राज, ये भय नहीं है, ये क्रोध है। महर्षि अर्जुन ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, वो पूरा हवन कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे? कानासुर, सिंहासुर, क्या है? तुम दोनों भाई इसी समय महर्षि अर्जुन के आश्रम में जाओ और उन्हें ऐसे मृत्यु दो जिसके उपरांत तीनों लोगों में हमारी आज्ञा का उल्लंघन कोई न कर सके। सुराज। की इतनी हिम्मत जो मेरे असुरों की ऐसी हालत करे? असुरराज, आप आज्ञा दे तो इसी समय महर्षि अर्जुन का सर काट के आपके पैरों में चढ़ावा चढ़ा देता हूँ। नहीं टनकासुर, मेरे सेनापतियों को मारकर उस महर्षि ने मुझे चुनौती दी है जिसे मुझे ही स्वीकार करना होगा। जैसी असुरराज की इच्छा, किंतु इन दोनों की दशा देखकर मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। असुरराज, हो सकता है कि क्या? क्षमा असुरराज। क्षमा की आवश्यकता नहीं है टनकासुर, हमारे अस्त्र शास्त्र तैयार करवाइए। पता नहीं कौन सा बवंडर है ये जिसने ये लीजिए। अरे बस 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 कीजिए पार्वती, और कितना खिलाएंगे आप? क्या आपको मेरे हाथ की रसोई अच्छी नहीं लगती? आप जैसी रसोई तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता पार्वती। पता नहीं ये बाल गणेश अब तक क्यों नहीं आया, आज तो ढेर सारे मोदक बनाए हैं मैंने उसके लिए। उन्हें आने में अभी समय है पार्वती। अर्थात? अर्थात आपके पुत्र को हमने मानवता की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। महादेव, हमारा पुत्र अभी बालक है, उसे कहीं कुछ हो गया तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। पार्वती, आपके पुत्र बाल गणेश सृष्टि का आरंभ है, उन्हें कुछ होने का अर्थ यानी सृष्टि का अंत। अर्थात?
आप अर्थात बहुत पूछती हैं पार्वती। वो ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम गम गणपतेय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय। धूर्त महर्षि, यदि जीवन प्रिय है तो रोक दे इस हवन को, अन्यथा इस आश्रम के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी धूल में मिला दूंगा। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। बग्गम? प्रभु, अग्गम बोल रहा है कि समस्या गंभीर होती जा रही है, आपको महर्षि की रक्षा हेतु जाना चाहिए। तुम निश्चिंत होकर फल खाओ बग्गम, इतनी स्वादिष्ट फल छोड़कर कोई मूर्ख ही जाएगा यहाँ से। ओम भूर्भुवः स्वाहा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा रोक दो यह हवन। शिवाय स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। आदरणीय ऋषिजन और शिष्यों, आप इस हवन को बंद ना होने देना। जो आज्ञा महर्षि। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम महर्षि, हवन को बंद किए बिना मेरे पास आने का अर्थ समझते हो? मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है असुरराज, किंतु यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ और भविष्य में यहाँ मुड़कर भी मत देखना। ऐसा कहकर तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है महर्षि, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुप जाओ असुरराज। हाँ, तुम कौन हो बालक और यह सब कौन है? तुम कैसे असुरराज हो विघ्नासुर, जो बाल गणेश के बारे में नहीं जानते? ये महापराक्रमी बाल गणेश हैं और हम इनके सखा। ये अग्गम, ये बग्गम, ये नंदी और मैं, प्रभु के प्रिय वाहन मूषक राज। मूषक हो या विदूषक, जीवित रहना चाहते हो तो जाओ अपनी माँ की गोद में छुप जाओ। असुरराज, इस प्रकार की अभद्र भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती, अपनी शक्तियों को समाज कल्याण में लगाइए। क्यों व्यर्थ हत्याएं करते रहते हो? मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगा बालक। कौन है यहाँ जो मुझे रोकेगा? मैं तुम्हें रोकूंगा विघ्नासुर, मैं तुम्हारी बुराई का विनाश करूंगा। धरती से अभी छटाक भर बाहर नहीं निकले हो बाल गणेश, और असुर राज को मारने की बात करते हो? यदि है बल तुम्हारी बाजुओं में तो आओ, मारो मुझे, मारो। अब इसका क्या होगा? क्यों क्यों क्या हुआ? होना क्या है असुर राज, तुम गए काम से। असुर राज, जब कभी मेरे भक्त सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगा तो मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, तथास्तु।
अभी भी समय है विघ्नासुर, यदि तुम अपनी शक्तियों को सही कार्य में लगाने का वचन दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मायावी बालक, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो तुझे तेरे परिवार सहित इसी स्थान पर जीवित काट दूंगा। बड़े तो हो गए हो तुम वसुरराज, पर बुद्धि नहीं आई। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है विघ्नासुर। नहीं, नहीं। विघ्नासुर के अत्याचारों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बाल गणेश। आज से आप विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाएंगे। विघ्नहर्ता बाल गणेश की जय। महर्षि, ये जय तो ठीक है, किंतु यदि आपके आश्रम में खाने को मोदक है तो कृपया जल्दी से ले आइए, बहुत भूख लगी है। प्रभु, ऊपर देखिए, वो रहे लड्डू। ये तो बहुत ऊपर है। अब क्या? मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कोशिश करता हूँ। आइए। मोदक। बालगणेश, कैसा शोर है बालगणेश? मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं, वही ऊपर चढ़ा था। नहीं, नहीं, नहीं। मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुंचता वहाँ तक। कितना परेशान कर देते हो तुम लोग। दो तो मिल ही गए। शैतान, ये क्या है? क्या करूं माँ, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद हैं। अच्छा, नटखट।
शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मूषक गण सब भागे हैं सरपट हो, मन मोहक मन भावन नटकट। मूषक गण सब भागे हैं सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन, वक्र तुंड कजरारे लोचन। झूमे गाए बाल गणेश, भक्त जनों के कटे कलेश। इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तनमन। गणेश, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ, तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं, उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आज्ञा माँ। और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव, मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करें ऋषिवर, वो योग साधना में लीन है, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ, उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक, मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूँगा। ये असंभव है मुनिवर। अरे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर, उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। घोर अपमान, आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए। हाँ?
बहुत सासी है ना तू बालक, अब मेरा प्रहार सहन कर। प्रभु ये तो शिवजी का परशु है। क्षमा करे भोलेनाथ, क्षमा करे, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं, क्या इसलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करे? माता पार्वती क्षमा दान दे, अवश्य नीतिवश मुझसे यह अपराध हुआ है, क्षमा माते क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। बाल गणेश इस टूटे हुए दांत से कई महान कार्य करेंगे माते, जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और वे एक दंत के नाम से भी जाने जाएंगे माते। इस एक दंत बाल गणेश को कोटि कोटि प्रणाम माते, कोटि कोटि प्रणाम। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। अरे खाना कहाँ गायब हो गया? गणेश क्यों तंग करते रहते हो इनको हमेशा? क्यों इनका सारा खाना खा गए? क्षमा करना माँ, फिर से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर अगली बार नहीं। मैं अभी और खाना भेजती हूँ तुम सबके लिए। भूख लगी है, कुछ सोचना पड़ेगा। खाना स्वादिष्ट था, मेरा पेट तो भर गया। अब तुम सब आराम से अपना खाना खा लो। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो व्योमासुर है, इसका इतना साहस कि इसने कैलाश पे आक्रमण किया? माँ भोलेनाथ भी नहीं है, वो तो गुफा में ध्यान लगा कर बैठे हैं। गणेश कहाँ है वो? माँ प्रभु तो अंदर है। यमसुर तूने यहाँ आके बहुत
बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने मेरे माँ को कष्ट दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नंदी, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं अभी इससे निपट के आता हूँ। बालक, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे पता है भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में है। अब मैं कैलाश पे अपना राज स्थापित करूंगा। दूर हट जा यहाँ से। तू तो एकदम छोटा है, छोटा, इतना सा मेरे सामने, तू क्या मुझे मारेगा? मारेगा मुझे? ले मार, मारना। मेरी चाहे तू मुझे मार। क्या हुआ, क्या हुआ? व्योमा, तू तो गया। व्योमा सुर, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं, तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है, तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। लगी है, चलो मैंने मोदक बनाए हैं। मोदक? नहीं माँ, प्रभु सब खा जाएंगे और हम सब फिर से भूखे रह जाएंगे। माँ, ये कौन है? ये श्रवण है गणेश, ये दूर गांव से आया है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। तुम जल्दी से खाना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। प्रभु, ये लीजिए मोदक, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। प्रभु, आप विश्राम कीजिए। कौन हो तुम? मैं हूँ श्रवण, बाल गणेश का सच्चा भक्त। मैं हूँ बाल गणेश का सच्चा भक्त, तुम नहीं। नहीं, मैं हूँ। सच्चा भक्त कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? प्रभु, आप चाहें तो हमारी परीक्षा ले लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका सच्चा भक्त कौन है, मैं या मूषक। मूषक, तैयार हो? प्रभु, जब आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे डर किस बात का, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी 5 विभिन्न परीक्षाएं करूँगा, जो ज्यादा जीतेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। हाँ, लेकिन परीक्षा देते समय छल कपट का प्रयोग नहीं करना है। वक्रतुंड महाकाय। हाँ? कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश पूजा करना अनिवार्य है, और मैंने उसके बिना ही अपना अभियान शुरू कर दिया। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई?
हे प्रभु हमारे सारे विघ्न दूर कीजिए। बाल गणेश की जय। सच्चा भक्त मैं ही बनकर दिखलाऊंगा मूषक, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु मैं जीत गया। अरे मूषक, श्रवण ने कहा तुम दौड़ छोड़ के खाना खाने बैठ गए थे। देखा, हार गए ना। नहीं मूषक, अगर इस तरह चलता रहा तो तुम हार ही जाओगे और श्रवण फिर सच्चा भक्त कहलाएगा। सोच लो। चलो अब दूसरी परीक्षा का वक्त आ गया। ओ, ये क्या लिखा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु आप श्रवण को ही सच्चा भक्त बना लो, मूषक से ना हो पाएगा। हमने कितनी बार मूषक से कहा पढ़ ले, अगर मूषक ने पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मूषक, अब श्रवण ने दो दो परीक्षाएं जीत ली हैं। अब सुनो, तुम दोनों के सामने अभी जो भी आए वो खाना है, पर अपनी आंखें बंद करके। क्या? अगर तुम्हें परीक्षा नहीं देनी तो हार मान लो श्रवण। नहीं नहीं प्रभु, मैं तैयार हूँ। मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा प्रभु। अगम बगम बांध दो इनकी आंखों पर पट्टी। क्या हुआ, तुम दोनों थक गए? नहीं नहीं, भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ, बस ये आखिरी है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे देखना होगा कहीं सिर्फ मुझे ही तो तीखी मिर्ची नहीं खिलाई। वाह मूषक, इस बार तो तुम जीत गए। क्या आश्रम पे आगमन? नंदी ब्रिंगी चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ और आपकी रक्षा करूंगा इन दैत्यों से। मूषक श्रवण, लगता है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का वक्त आ गया है। जो इसमें उत्तीर्ण होगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मुनिवर आप अंदर जाइए, इसे हम संभाल लेंगे। प्रभु मैं अकेला ही काफी हूँ इसके लिए, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। नहीं प्रभु,
इसे तो मैं ही मारूंगा। बाल गणेश, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अगर लगता है कि मुझे आसानी से मार दोगे तो ये असंभव है, असंभव। काश तुम मुझे मार पाते, काश। क्या हुआ? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। रुको, मत मारो मुझे, रुको रुको। जरा तुम इनसे तो लड़के दिखाओ। तैयार हो? कहाँ जा रहे हो? बाल गणेश मुझे माफ कर दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अपनी जान बचाओ। ऋषभ, लगी तो नहीं तुम्हें? प्रभु, आपके होते हुए मुझ जैसे सच्चे भक्त को किस बात का डर? अरे तो फिर यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? माँ के हाथ के लड्डू नहीं खाने? चलो। प्रभु, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको धोखा दिया और मैं प्रभु भक्ति में भी मूषकराज से कम ही साबित हुआ। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ श्रवण। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने प्रभु में पूर्ण विश्वास रखे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, और इसीलिए मूषक तुम जीत गए। श्रवण, मेरे मित्र, तुमने सच्चा भक्त बनने के लिए गलत तरीके अपनाए, लेकिन तुम्हारा प्रभु भक्ति के लिए प्यार सही था, और जिसके दिल में बाल गणेश जी के लिए प्यार हो वो मेरा मित्र होता है। आओ मित्र, गले मिलो।